बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, आप खुशामदीद कहते हैं आपके पसंद प्रोग्राम द टॉक शो में। आप बन सकते हैं घर बैठे करोड़ पति। मैं वाकम मेजबान प्राइम खान नंबर, जहां आज तक आप अपनी वीडियोस भेजते हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी जरूर भेजेंगे, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमेशा की तरह पहली कैटेगरी टिकटॉक हीरोइन की, और पहली वीडियो कौन सी, आओ देखें। तुम कभी कभी ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। तुम मुझे अपना लाडला बना लो, फिर तो मेरी हर बदतमीजी प्यार से इग्नोर कर दिया करोगी। वाजिबा क्यों? ओ तुम्हारे लाल भा, तुमसे कोई शरीफ इंसान बात कर ही नहीं सकता। नो, तो आपके घर वाले जो मुझसे बात करते हैं वो तो शरीफ है ही नहीं, है ना? दादी तो डाकू सुल्तान है और ओमर रुद्र क्या है, बकरी चोर। तुमसे बात करना ही बेकार है और आपकी शक्ल देखना ही बेकार। तुम्हारी सैलरी कितनी है? व्हाट? 25,000। तुम कौन? डजंट मैटर, मैं 50 कमाती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है? मैं लड़का हूँ? पागल हूँ, बात बाद में करती हो, पहले चीजें फेंकती हो। आप नहीं फेंकते, सबसे ज्यादा तो आप फेंकते। कभी फोन फेंकते, कभी इसको फेंकते, कभी उसको फेंकते। अगर कुछ नहीं मिला तो लंबी लंबी फेंकते। आप ना एक नंबर के फेंकू इंसान है। नहीं नहीं, देखें फेंकने में तो आज भी नंबर वन उन्हीं का है जो लंदन में बैठे हुए हैं। क्या लंबी लंबी फेंक रहे हैं, क्या लंबी लंबी। नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा भाई जिनका घर बिका है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दवाई लेने गए थे। हाँ, वो लंदन में बैठ के फेंक रहे हैं कि आवाम को अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, उनके साथ जो हो रहा है वो ज्यादती है। हजरत, आप जान की अमान पाऊँ तो ये कुछ अर्ज कर सकता हूँ? आपकी पार्टी जब से इक्तदार में आई है आवाम के साथ इज्तमाही ज्यादती हो रही है, क्योंकि PDM में 17 या 13 जमाते हैं ना, तो इज्तमाही ज्यादती हो रही है आवाम के साथ, सिर्फ ज्यादती नहीं हो रही। नेक्स्ट। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? तू इधर देख, मुझसे बातें कर यार, चश्मे तो फूटते रहेंगे। एक एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले, तू तो कहता था रबते रहेंगे। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा? कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। क्यों नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ हाफिज साहब का कुछ ना कुछ तो बैठा है जिस पे उन्होंने गजल लिखी है। मतलब या तो दिल बैठा है, या कलेजा बैठा है, या अरमान बैठा है, वगैरह वगैरह। जी वो रमजान है। नेक्स्ट। मेरा जानू लोकां पीछे ते लोकां दे जानू मेरे पीछे, चंगा मका पाते मने यार थोड़ा गुट्टी उत्तो का चंगा सी तेनू दिल ना देंदे, जे दिल दिता फिर ढिल ना देंदे, और तेरी थां जे होर कोई हुंदा कसमे रब दी छिल ना देंदे। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। हमारे मियार से दुनिया वाकिफ है, हम उसके नहीं होते जो सबका होता है। ओके, तो आप एक्सक्लूसिव राइट्स लेना चाह रही हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट जो है वो एक्स्ट्रा पैसों में मिलते हैं, वरना जनरल राइट्स आपको मिल सकते थे, पर आपने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। नो प्रॉब्लम। ये देखें, पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, दिल खरीदोगे, या के जहाँ खरीदोगे सब कुछ खरीद सकते हैं आप, तो चिल करें। नेक्स्ट। ये नीम हकीम या किसी आलिम से हल नहीं होंगे, ये मेरे दिल के मसले हैं, उसी जालिम से हल होंगे। मैंने सुना था कि दुआ तकदीर बदल देती है, पर दुआ ने तो नंबर ही बदल लिया। लोकां दे रिलेशनशिप च स्पार्क हुंदी है, मेरे रिलेशनशिप च 24 घंटे अग्ग ही लगी रहती है। मतलब नहीं, किसी दिन इदा होएगा या तो वो मैनू फूक देगा या मैं उन्हें फूक दांगी, अग्ग ला दांगे असीं दोनों एक दूजे नूं। तू हमें उन दिनों क्यों नहीं मिला? किन दिनों? जब हमें शौक थे सवरने के, हमने जीने की उम्र में सरवर,
पाल रखे हैं शौक मरने के। वाह वाह वाह, क्या बात। देखें, जो शौक आपने पाला है वो एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि जहाँ फ़ानी है और जो भी आया है उसने जाना है। तो शौक मरने का जो आपने पाला है, एटलीस्ट ये वाला शौक तो आपका पूरा कन्फर्म होगा। कब होगा ये नहीं पता, जब वक्त होगा तब हो जाएगा। बाकी ये है कि आपने जिन दिनों की बात की है कि तुम हमें उन दिनों क्यों नहीं मिला, तो वो वाले दिन कौन से हैं भाई? कोई मखसूस आयाम है? कौन से? अच्छा, चलो चलो ठीक है, रमज़ान के बाद की रखते हैं, इसके ऊपर बहस सही है ना। अक्षय कुमार को भी बुला लेंगे यार, वो भी इस मामले में काफ़ी एक्टिव है। नेक्स्ट। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। हम इसी आस पे बिगड़े हैं कई बरसों से, तेरे हाथ लगेंगे तो सुधर जाएंगे। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मैंने कहा माशाल्लाह, उसके बाद से बोला इंशाल्लाह। मुझे है ना नई लाइफ चाहिए, ये वाली मैंने झंड कर ली। देखो, ये ख्वाहिशें होती हैं नन्नी मुन्नी सी, जो पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी ये तुम्हें नई लाइफ चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नई वाइफ चाहिए। तो ये देखो, स्टूपिडिटी का लेवल चेक करो। पहली मर्तबा कुल्हाड़ी पे पाँव मारा है उन्होंने, लेकिन दूसरी शादी करके दूसरा पाँव भी कुल्हाड़ी पे मारना है। ये लोग नीचे से ठाकुर बनेंगे। हाँ, गब्बर शोले फिल्म में गब्बर ने जो ठाकुर बनाया था ना, हाथ काट के बनाया था, टुंटा ठाकुर, ये लंगड़े ठाकुर बनेंगे। इनके शौक है, क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट। हमने देखा है बहुत गौर से तेरे चेहरे पर, तेरी आंखें कमाल करती हैं। आपको यहाँ सबसे दूर इस घर में रहकर तन्हाई सी महसूस नहीं होती? तन्हा तो आदमी भीड़ में भी होता है, वो बातें जो हम किसी को बता नहीं सकते, तन्हा तो वो बातें हमें बनाती है। तू इधर देख मुझसे बातें कर, यार चश्मे तो फूटते रहेंगे, एक एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले, तू तो कहता था रबते रहेंगे। वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है, वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है, कभी कभी तो मुझे खौफ आने लगता है। हाय हाय, वाह, वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है। देखिए बीबी जी, मोहब्बत वो जता रहा है, कोई टेंशन नहीं है। डरने की बात उस वक्त है जब वो तन्हाई में मोहब्बत जताने की कोशिश करे, तब आपने कह देना है नो, कैपिटल एन कैपिटल ओ, नो मींस नो। अभी तो बदले हैं मुर्शिद, बदले अभी बाकी है। वो जिसके जाने से जाती थी जान अपनी, उसका जाना भी हमने अपनी आंखों से देखा। तुमसे बहुत कुछ कहना है मगर कभी तुम नहीं मिलते, कभी अल्फाज नहीं मिलते। पता है मेरा वीडियो कौन कौन लाइक करता है? फर्स्ट मैं, सेकंड मेरी मम्मी के मोबाइल से, वो भी मैं, थर्ड मेरे पापा के मोबाइल से, वो भी मैं, और कल तो चौथा लाइक आ गया। मैं तो एकदम पागल हो रही थी खुशी के मारे कि मैं वायरल हो गई। वाओ, नहीं मतलब इस पे क्या कहा जाए, ये भी अगर आप कोई एक आध वीडियो एक्स्ट्रा है तो बता दीजिए, हम देख लेते हैं। तो सारी बातें तो आपने बताई दी, हमारा कहने का कुछ बचा ही नहीं, हम क्या कह सकते। हम इस पे खामोशी इख्तियार करेंगे, और खामोशी आधी रजामंदी बिल्कुल नहीं होती। अगला बंदा तपा हुआ होता है, बीपी हाई हुआ हुआ होता है, इस वजह से वो खामोश हो जाता है, समझे ना, ताकि ब्रेन हैमरेज ना हो। नेक्स्ट। रूह में शामिल है फकत नस नस में नहीं, वो एक शख्स जो मेरी दस्तरस में नहीं, हल यही है कि मैं भूल जाऊं उसे, और एक यही बात मेरे बस में नहीं। वहां तक तो साथ चलो जहां तक साथ मुमकिन हो, जहां हालात बदलेंगे वहां तुम भी बदल जाओ। जब वो ये जान पाएगा कि उसकी असल जरूरत कौन है, बड़ी देर हो जाएगी। एक जरा सी खुशी ये है कि वो आएगा, एक जरा सी खुशी ये है कि वो आएगा, एक ढेर सितम ये है कि बड़ी देर हो जाएगी।
शुमाइला तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे समोसा। अरे वाह, काश मैं तुम्हारे समोसे का आलू ही होता यार। है? आलू तो मैं फेंक देती हूँ, वो तो गैस बनाता है। अजीब ही चीज हो यार। और हम भी चल रहे हैं अगली कैटेगरी की जाने, पर देखते हैं ये जो सामने वाली पार्टी है ये क्या कर रही है, यानी टिकटॉक हीरोज क्या कर रहे हैं। देखते हैं फटाफट पोस्टर निकला, हीरो में कौन सा हीरो पहले निकल रहा है। दिल में आया कि मैं खत्म कर दूं तुझे, दिल में आया कि मैं खत्म कर दूं तुझे, हाथ पहुंचा गले तक मगर कह दिया जा तू मेरी मोहब्बत है। भैया क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों? हाँ सुनाना पड़ गई। एक्चुअली ना उसे मुझसे शिद्दत वाला प्यार हो गया है। भैया आप वाला प्यार हो गया? अरे ये लो उसी का फोन है। बहुत कुछ कहने को है बलना जाने क्यों, अब दिल को खामोश रहना अच्छा लगता है। तुझसे अच्छे तो मेरे दुश्मन ही निकले, जो हर बात पे कहते हैं मुझे छोड़ेंगे। यानी अगर किसी दिन उन्होंने पकड़ लिया ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन से छोड़ेंगे नहीं की बात कर रहे थे। फिर तुम कहोगे कि ये तो कुछ ये बात कुछ हजम नहीं हुई तो हाजमुला खा लीजिएगा, हो सकता है उससे कुछ आराम हो जाए, पर उनके पकड़ में मत आना। नेक्स्ट। तुम गुलाब के पौधे के नीचे जामुन का पौधा क्यों लगा रहे हो? ये बड़े हो के ना गुलाब जामुन देंगे। तुम तो स्कूल गए थे, वापस क्यों आ गए हो? मुझे स्कूल से निकाल दिया। तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला है? टीचर ने कहा मजबूर लिखा मैच पर। अच्छा तुमने क्या लिखा? मैंने लिखा आज बारिश हो रही है मैच सुबह होगा। वैसे ना एक राइटर ने लिखा हुआ था कि शोहरों को बोलने का भी हक होना चाहिए। देखो सिर्फ लिख ही पाया, बोल तो वो भी नहीं पाया। था प्यार अंधा होता है। हाँ। अंधा। तो फिर मेरे साथ कोई लड़की क्यों नहीं सेट होती? लड़की तो नहीं ना अंधी होती। सही बात, 100% सही बात। मतलब तुम्हें तो हमने भी देखा, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी प्रोफाइल जो है वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ऊपर डाल दें, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल तो टिंडर के लायक भी नहीं है दोस्त, सॉरी। नेक्स्ट। जिसे जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो तुम्हारे दर्द को ना समझ सके वो हम दर्द कैसा। भरोसा भी क्या अजीब चीज है, कोई करता रहता है कोई तोड़ता रहता है। औरत तो इतनी नाजुक है साहिब कि उसे तो जंग में भी मारने की इजाजत नहीं, और तुम लोग उसे मोहब्बत में मार देते हो। अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो ना तो दूसरों की बहनों के लिए कभी कुत्ते मत बनना। और जो अपनी बहनों के लिए भाई हैं वो दूसरे की बहनों के लिए भी भाई बन जाएंगे, फिर कुंवारे मर जाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे, तो भाई किसी एक के लिए मतलब कोई थोड़ा सा मार्जिन तो दे दो ना, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको कहते हैं, मतलब कहीं शादी करने के लिए एक आध तो छोड़ दो, बाकी सबको तो बहन बना लिया एक को तो छोड़ दो। नेक्स्ट। खूबसूरत तो लड़कियां होती हैं, लड़के तो अमीर या गरीब होते हैं। सुना है किसी और को प्यारा कर लिया उसने, हमारे बाद भी आखिर गुजारा कर लिया उसने। तुम्हें धोखा किसने दिया? मैंने। तुमसे प्यार कौन नहीं करता था? मैं। साला बर्बाद कौन हुआ? मैं। आज यहां पर अकेला कौन है? मैं। दर्द पता कब होता है? जब आप उसका होने की जिद पकड़ लो जो आपका होना ही नहीं चाहता। कदे दा तू आवे गावे उसे ही चौराहे ते। नहीं नहीं तब दर्द नहीं होता, जब उसका पकड़ उसका होने की जिद पकड़ लो जो आपका होना ही नहीं चाहता, तब दर्द नहीं होता, तब आपकी हटती है, तब आप तप रहे होते कि यार ये मेरा क्यों नहीं करता, अब तो करना ही करना। इसको कहते हैं जिद, दर्द नहीं कहते इसको, समझा? आप अपनी वोकैबुलरी चेंज करें भाई साहब।
ये लुगत के अंदर फंसा करके जो है वो आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप विलन कैटेगरी में ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे आप हीरो कैटेगरी में। आपके इरादे नेक नहीं लग रहे, आपके इरादे बैडमैन, गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा वाले ही हमें समझ में आ रहे हैं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अरे नहीं मैडम, बाढ़ में गया प्यार व्यार, ये लव के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्म, नजरें जब भी मिलती थी मुस्कुराया तुम भी करती थी। ना जाने इतना दर्द क्यों देती है दुनिया, एक हंसता हुआ शख्स दुआओं में मौत मांगता है। अच्छी थी कहानी पर अधूरी रह गई, इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। बेहतरीन वीडियो जी, आला। मतलब मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, आप रमजान में सही काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप सही काम कर रहे हैं, बेहतरीन। नेक्स्ट। खुदा से मांगा हुआ है शख्स, खुदा के बंदों ने छीन ली। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होए। गुड वीडियोस, बेहतरीन, आला। और तुरुल भाई, आला वाला। नेक्स्ट। ओए सुन, तुमसे बातें मनवाना अच्छा लगता है। तू इतनी खूबसूरत है फिदा दी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक हैं? यार मैंने आपको बोला है कि फॉर यू की ट्रिक ये होती है कि आप शेयर पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, अदर पे जाके कैंसिल कर देंगे, तो यही एक ट्रिक है। इसके अलावा आप वीडियो में कंटेंट अच्छा बनाएंगे तो आपकी वीडियोस फॉर यू में जाएंगे। सब कुछ खास है जब तक तू मेरे पास है। जाने मेरे, मैं तेरा हूं, हां जी तेरा तू कर ले यकीन। हेलो बेबी, बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, प्लीज। बात नहीं कर सकता, मैयत में हूँ। क्यों, कौन मर गया? मेरी फीलिंग्स। ओह माय गॉड, व्हाट अ वीडियो मैन। इसी वीडियो के ऊपर हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत अहमदाबादी हुकूमत पाकिस्तान, बत्तियां बुझा दो। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम द टिकटॉक शो में, जहां आप बन सकते हैं घर बैठे करोड़पति। मैं हूं आपका मेजबान वहीम खान। चलते हैं अगली कैटेगरी, टिकटॉक आंटी की जाने पर देखते हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी या पार्टी यूं ही चलेगी, और हम इफ्तार पार्टी की बात कर रहे हैं। लगाइए। मेरे सिवा जो तुझ पे मरे, खुदा करे कुत्ते की मौत मरे। Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice. माशाल्लाह बोलो फिर नजर लगती है वरना। तुझ पे फूंका है मोहब्बत का जादू मंतर, मुर्शिद तू मुझे छोड़कर जहां भी जाएगा छित्तर ही खाएगा। जुनेद बाबा बंगाली, महबूब आपके कदमों में, गुड। ये इन्हें मिल गया भाई, इन्हें को असली वाला मिल गया। बॉय हमें असली वाला नहीं मिला था, हम तो गए, वो कह रहा है दो बकरे लेकर आ जाओ। हाँ यार, तुम महबूब कदमों में तो होना चाहिए। फिर पता चला उसके असिस्टेंट का नाम महबूब है, उसने अपने असिस्टेंट को बोला इनके कदमों में गिर जाओ, वो गिर गया, हम भाग गए वहाँ से। हमने कहा उस्ताद माहौल ख़राब है यहाँ, खामा खां जो है ये पुल के इस तरफ वाले लोग बदनाम है, झंडा तो इधर इन लोगों ने लगाया हुआ है कलरफुल। नेक्स्ट। अबे शेरनी का शिकार किया है, इन कबूतरियों को साइड में हटवाओ। अजी शेरनी का शिकार किया है, इन कबूतरियों को साइड में हटवाओ। आज तेरे भाई की सेटिंग हुई है, जाओ मोहल्ले में शराब बटवाओ। प्यार करता है मर्द, बहुत जल्द मुझसे भी करने लगे। जीत जीत सनम लाश होने लगे, यूं तबाह कर दिया। कोई कफन दफन का इंतजाम करो साहिब, एक शख्स था जो मेरे दिल में ही मर गया है। वो मेरा जरा सा ना दिल रखने वाला शख्स रोजे अब बकायदगी से रखेगा। तो बहन वो इबादत है ना, हाँ ये ठरक थी,
फर्क है ना, अगले ने भी तो मर के जान देनी है, उस बेचारे को भी अपनी आखिरत संवारने दें, आप भी संवारें, आप भी मुसल्ले पे बैठ के दुपट्टा बांध के जो है वो उसी को कोस रहेंगे, अल्लाह अल्लाह करें जी। नेक्स्ट आज बस इतना ही कहना चाहूंगा, गल इत्थे मुक गई है, आपां वख हो गए हैं, आपां वख हो गए हैं। ससराई की लोग हैं देखो, रोई दराम वाला ले सानल पंगे नंगे नाए पे बाबा जी बावल पर सोनिया, उसने यार बदल लिया तो हैरत कैसी, मैंने काफरों को मुसलमान होते देखा है। तू हो गई है। वाह 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 वाह, क्या बात है, मतलब क्या इसकी कोई तुक नहीं बनती थी वैसे, मैंने काफिरों को मुसलमान होते देखा, इसकी तुक नहीं बनती थी। यहाँ अगर आप ये कहती मैंने मुसलमानों को काफिर होते देखा तो कोई इसकी तुक बन रही थी कि वफादारी से जो है वो बेवफा हुए, यहाँ कोई तुकबंदी हमें समझ में नहीं आई। हाँ खैर, आपने यहाँ पर इस वजह से नहीं कहा होगा मुसलमानों को काफिर होते देखा, क्योंकि फिर वो मुर्तद हो जाते। नेक्स्ट, अफतारी से डर नहीं लगता साहब, बस उसके बाद जो बर्तन होते हैं ना वो धोने से लगता है। कि अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आती, वो शख्स मुझे इतना समझदार कर गया। मुझसे रिश्तेदारियां करने से परहेज करें, मैंने पहले ही पूरे खानदान को ब्लॉक किया हुआ है। सब कह रहे हैं कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही ना, आखिर एक साल का जो हो गया है। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा, करोगे तो बढ़ेगा ही, कोरोना बढ़ रहा है, वाकई बड़ा हो गया, चार साल का हो गया, एक साल का नहीं है, आप बहुत पुरानी वीडियो लेकर आ गए, यहाँ पर चार साल का हो गया कोरोना, समझे आप। हैप्पी बर्थडे इसकी होगी पाकिस्तान में, वह हो गई यार, चौथी बर्थडे इसकी नहीं, तीसरी बर्थडे हुई है, तीसरी बर्थडे हुई है इसकी 26 फरवरी को पहला केस आया था, 27 फरवरी को 3 साल का हुआ है ये, वैसे 2019 दिसंबर के अंदर आ गया था तो 4 साल का भी आप कह सकते हो उस हिसाब से। अच्छा, मोहब्बत हो गई है, ओह हमसे हो गई है, अच्छा जिंदगी लेनी है हमारी, हम बुरे हैं यार, तुम्हें नहीं मिल सकते। अच्छा बात सुनो, पसंद बुरी नहीं तुम्हारी। मैंने कब बोला कि मैं हसीन हूँ, मैंने कब बोला कि मैं हसीन हूँ, बल्कि मैं तो बहुत हसीन हूँ। चलो यही उल्लनत गयर ताली नजाल एवल्ला मैं कुल है मुसयर दी। कैटेगरी हो गई तमाम, चलते अगली कैटेगरी टिकटॉक। अंकल की जानिब और देखते हैं अंकल की इस बारे में क्या राय है, लगाओ। जब भी सोचता हूँ मेरी आंख का आंसू लहू बन के बहता है, के बेलिबास होकर हवस पूरी करने को मेरे शहर का रांझा मोहब्बत कहता है। सुन के सजन जेड़ी गल तेरी इज्जत घटावे, असी उसे गल ते मिट्टी पाई, ते मैं ते छड़ना चाहुंदा नहीं सा, तुइयो गल तो गल वधाई, तेनू हर थां ते मान बख्शिया, तेरी किसे थां ते कंड नहीं लाई, ते तेनू नवे जो लभ गए सन, ताइयो गल गल ते करे लड़ाई, मैं ता हाथ जोड़ के आखिया सी छड के ना जा, पर तू भी पूरा बेशरम सी, तेनू रत्ती भर भी शर्म नहीं आई, तेनू रत्ती भी शर्म नहीं आई। ओ वीरे रब नू नी पसंद, हंकार नी बोली दा, ए दुनियादारी ए ना तेरी ए ना मेरी ए, इत्थे दुनिया दे बादशाह वजीर मशीर टुर गए, ओ तेरी मेरी जात फिर केड़ी ए, ते जड़े कहिंदे सी ना साडे बिना दुनिया नी चलनी, ओ जाके वेख उन्हां दी औकात, सिर्फ एक मिट्टी दी ढेरी ए, सिर्फ एक मिट्टी दी ढेरी ए। ओ ना ना वीरे, एवें अकल नी आ गई, जिंदगी च खाधे धक्के ने,
ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਲਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਗੈਰ ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਖੜਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੇ ਆਹ ਬਹੁਤੇ ਸੱਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ੁਰੇ ਜਾਂ ਤਾਨੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਵਾਹ ये मुझे ऐसा लग रहा है बेचारा वाहिद बंदा है जो सहरी के लिए सब दोस्त जाते हैं ना मिलके कि आज हम मिलके कंबाइंड सहरी करेंगे या इफ्तारी करेंगे बाकी सारे एक एक करके भाग जाते हैं टूथपिक पकड़ के बाथरूम इधर उधर एंड में ये फंसता है बिल देने के लिए ये इसके दिल से नहीं इसके बिल से निकली हुई सदा थी नेक्स्ट आप बीमारी पैने जेड़े आशा का छुप छुप के रोंदे आज जे इकट्ठे मिल के रोण ना तो पाकिस्तान दे विच जेड़ा पानी दा मसला वा ना वो खत्म हो जाए भरावो ये पाकिस्तान का ही हुसना रोंदे हुए बच्चे नू मजीद चपेटा मार के चुप कराया जांदा पाकिस्तान च मर्दमशुमारी खत्म हो गई है ते एक बंदा घट जे ओ दवाई लैन गया वा हर मर्द की जिंदगी में तीन डोल्स आती है उसकी बेटी बेबी डोल उसकी गर्लफ्रेंड बारबी डोल ते ओदी बेगम पैना डोल भाई आपने मुझे ऐसा लग रहा है ब्यूटी एंड द बीस्ट आपने अभी ताज़ा ताज़ा देखी है और आप वो केतली बने हुए हैं जो बातें नहीं करती उसके अंदर बातें करने वाली केतली लग रहे थे आप इस वक्त आप देखें वो ब्यूटी एंड द बीस्ट का ट्रेलर देखें उसके अंदर भी केतली जो है प्रोमिनेंट है क्योंकि वो उसकी नैनी है नेक्स्ट मेरी एक्स मेरी दुनिया थी और आपको तो पता ही है दुनिया कैसी है आज हम दोनों ने स्याह कपड़े पहने हैं उसने मेरे तिल जैसे और मैंने उसके दिल जैसे सुनो सारे छोड़ गए हैं तुमको भी इजाजत है साथ दफनाया जाए जावे बाबा बाड़ में जाए तुम्हारी कब्र मतलब ये कैसी बात कर दी यार है जो खैर खा है उन्हें साथ में दफनाया अब क्यों दफनाया जाए भाई तू जा अपने आप पे है भाई जो खैर खा है साथ में दफनाया जाए भाई सारे के सारे भाई सब अपनी खैर खाई खत्म कर देंगे ऐसी ख्वाहिशात पे ये ना करो यार खामा का रिस्क ले रहे हो तुम बिला वजह का कब्र अपनी अपनी भाई साहब हाँ ऐसा ना करें आप असी शेर दे शिकारी ते मौत दे वपारी काका साडे नाल ओही टुरदा जिनू जान नहीं प्यारी एक बेवफा को मैंने गले से लगा लिया हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा मुझे एक बात की समझ नहीं आती कुछ लोग हमारे मुंह पे वफादार और पीठ पीछे कुत्ते क्यों बन जाते हैं लोको तू मुहर उना पैर उना दियाबला मेरा कोमो मेलारी मेरी से बस अब करम कर दे आसमां वाले बस अब करम कर दे आसमां वाले तूने कहां तक मुझको आजमाना है आ चलते अगली कैटेगरी टिकटॉक फ्रेंड्स यार पर देखते हैं दोस्तों का दोस्ताना यार वगैरह ना क्या गुल खिला रहा है ये जमाने दिखाइए ये सत्या कौन है सर इस आदमी के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल नहीं बस इतना पता है कि कुछ महीने पहले इसने बीकू मात्र के गैंग को ज्वाइन किया था काफी तेजी से ऊपर आया अंदर की बात तो ये है कि मात्र गैंग को आजकल ये आदमी चलाता है ये था भाई तू घर चल ज्यादा कान करने का शौक है तुम लोगों को लगता है तुम्हारे खून में कुछ ज्यादा गर्मी है सारे दोस्त मिलकर दो तीन लड़कों को मारते ये तुम्हारी मर्दानगी लेकिन भाई ये तो अकेला था लेकिन अब हम इसे अकेला नहीं मारेंगे बुला अपने दोस्तों को देखते हैं कौन बचाता है इसे ये कांड करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ और तुम अब यहाँ से जल्दी निकल लो वरना अगर मेरे भाई आ गए ना तो यहाँ पे वारदात होगी
छोड़ दो उसे। प्यार करता हूँ आरवी से, चाहे उसे हो या ना हो। ओ माय गॉड, अंडे की पेटी तोड़ दी इसने उसके सर पे। जब भी तो हम कहें इस बार सर्दियों के अंदर पेटियां क्यों नहीं जल रही थी, पेटियां यहां तोड़ी जा रही हैं। खैर कोई बात नहीं, ये इस पे अंडा भी फोड़ते तो भी ये गिर जाता है, इसकी सेहत अंडे के लिए भी गवारा थी, आपने खामखा पेटी तोड़ी। नेक्स्ट भाई। हाँ भाई। रोजे क्या सुनना पसंद करोगे? मगरिब की अजान। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक इंटरव्यू लेना है। जी इंटरव्यू लेना है। जी जी इंटरव्यू लेना है। हाँ। खान भाई आपके घर में कितने भाई बहन हैं? हम तो माशाल्लाह से 11 भाई बहन है भाई। 11 11 11 भाई। आपका कौन सा नंबर है? मेरा तो यार जेएस का। यार लोड करियो। कितने नंबर थे? 0345। पहला नंबर आप ही लिख दो। यार भाई मैनू लिखना नहीं आता। तेनू बोलना के ना होंडे अब। ये गलत है यार, आपको बेचारे की बीमारी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। खामखा वो अपना नंबर थोड़ी बता रहा है, वो बच्ची से बात करनी है। देखो जिस लड़के ने भी बच्ची से बात करनी है ना, उसी के मोबाइल में इजी लोड करवाएगा। अपने फोन से तो उसने पैकेज करा रखा है। ये तो सामने से डिमांड आई है कि जरा मुझे इजी लोड करा देना। अब्बू को फोन करके मैं कह दूं कि एक घंटे तक जो है वो मैं बिजी होंगी तो तुमसे बात कर लूंगी। ये इसलिए आया है बेचारा, इसके दर्द को समझे आप प्लीज ना करें। ऐसे लोगों के साथ आज जी से पेश आया करें और इनकी बात जो है वो मान लिया करें, बेचारे बड़े सताए हुए होते हैं। नेक्स्ट। मेरी जान बात सुनो, तुम नाराज हो क्या? मेरी जान बात तो सुनो, तुम नाराज हो क्या? तुम बड़े गौर से सुन रही हो, तुम मेरी जान हो क्या? मियां जी चाय पीनी? पी लांगे। वाह रब्बा कितना चंद चढ़े आज। चलो उठ के बर्तन तो के ना बना लो फिर। समझ के जवाब देना जी। पहला सवाल। हाँ। हाथी अंडे देता है या बच्चे? बच्चे। जाहिल के बच्चे। हाथी कुछ नहीं देता, हथनी देती है। दूसरे सवाल का जवाब दे। पूछो। दुनिया में वो कौन सा जानवर है जिसके दांत नहीं है? पता नहीं। तेरे दादा। हाय गाइस, ये मैं हूँ और ये तू कौन है? कौन है तू? होता है शादी के बाद अक्सर ऐसे रिश्तेदार सामने आ जाते हैं जो लगते जहर है, जिन्हें वीडियो के बहाने आप जलील कर रहे होते हैं। जैसे ये बेचारा जो है वो आपकी नंद का बेटा होगा यकीनन, इसको आप वैसे मुंह पे तो कुछ कह नहीं सकती, इसलिए आपने कहा आचल वीडियो बनाते हैं। वहाँ ले जा करके सही प्लेटफॉर्म यूज़ करके आपने इसको इंटरनेशनली जलील किया है। नेक्स्ट। सुनो लड़कियों, जब तुम लोग सफ़ेद ड्रेस पहन के ऊपर से लाल लिपस्टिक लगाती हो ना, तो कसम से एम्बुलेंस लगती हो। अरे भाई क्या हुआ आज? तेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। ओ, ये तो अच्छी बात है। जहेज में क्या मांगा भाई? कुछ भी नहीं मांगा। वाह भाई, बस जो है बैरेटाउन में एक बंगला मांगा है, कोई 3-4 गाड़ियां मांगी हैं, कोई 5-6 प्लॉट मांगे हैं, और उनसे कहा है कि थोड़ा सा बिजनेस सेट कर दे और दुबई का रिटर्न टिकट दे दे। लड़कियां पूरी जिंदगी जो काम तवज्जा ईमानदारी मेहनत मोहब्बत से करती हैं, उसे हम शॉपिंग कहते हैं। जी हाँ, हमें लड़कियों का इतना फायदा है, इतना फायदा है, इतना फायदा है कि मैं बता ही नहीं सकता। वो कैसे भाई? भाई अगर ये लड़कियां ना होती तो हमारी मेकअप की फैक्ट्रियां कैसे चलती? बेहतरीन वीडियो जी, आला। मतलब मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब आप रमजान में सही काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप सही काम कर रहे हैं, बेहतरीन। नेक्स्ट। कहाँ जा रही हो?
पार्लर जा रही हूँ। पार्लर किस लिए? तुम्हें बताया तो था तैयार होने जाना है। पर तैयार तो तुम हो ही रही हो। अभी तो पार्लर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ ना यार। सायरा, मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी से भी मिलो। किसी से नहीं मिलो, वो कोई किसी नहीं बल्कि कजन है। कजन? कजन? ये जो तुम्हारा कजन है ये मेरे सीने पर वजन है, मेरे सर पर लाके तुमने बिठा दिया। झगड़ा खत्म करने का क्या लेगी यार? बस वो तीन वर्ड मुझे सुना दो, झगड़ा खुद खत्म हो जाएगा। आई लाइक यू। नहीं। आई लव यू। नहीं। आई मिस यू। गुस्सा मत चढ़ाओ। ओके, आई एम सॉरी। दैट्स बेटर। मासूमियत लुट गई। टॉमी, सिट टॉमी। रहने तो तुमसे ना हो पड़ेगा। शुरू शुरू में तुम्हें भी टाइम लगा था, सीख जाएगा ये भी। सही कह रहे बेटा, जो हरकतें तुम्हारी चल रही हैं वो पालतू वाली हैं, फालतू वाली हैं भी नहीं। खैर, तमाम कैटेगरीज की तमाम वीडियोस तमाम होती हैं, चल के देखते हैं आज का वीडियो। अरे टाइटल किस वीडियो के नाम पर आया दिखाइए। हमने देखा है बहुत गौर से तेरे चेहरे पर, तेरी आंखें कमाल करती हैं। आपको यहाँ सबसे दूर इस घर में रहकर तन्हाई सी महसूस नहीं होती? तन्हा तो आदमी भीड़ में भी होता है, वो बातें जो हम किसी को बता नहीं सकते। तन्हा तो वो बातें हमें बनाती है। तो इधर देख मुझसे बातें कर, यार चश्मे तो फूटते रहेंगे। एक एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले, तू तो कहता था रबते रहेंगे। वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है, वो मुझसे इतनी मोहब्बत जताने लगता है, कभी कभी तो मुझे खौफ आने लगता है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका डिजिटल का वीडियो टाइटल आपका प्राइज जो कि सरप्राइज बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा। जब मिल जाए तो उसकी बना कभी हमें जरूर भेजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी अपने प्रोग्राम में लगाए, लेकिन बात नहीं करेंगे क्योंकि वादा तो टूट जाता है। हमें दीजिए इजाजत नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। बत्ती तो बजा दे मेरे भाई। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।